दिस पिन नीड्स टू बी रेस्टेड ऑन द बाउ स्टॉपर, इसके ऊपर काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मगर मेरे एसएमएस के हिसाब से इट शुड बी रेस्टेड। गुड मॉर्निंग, आज है सैटरडे और हम लोग हैं एंकर पे। आज एकदम स्टडी है, सोने में बहुत मजा आया। फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग करता हूँ कि मैं अपना मेल्स चेक करता हूँ। कैप्टन का मेल चेक करने वाला सिस्टम ये दिन में बहुत बार चलता रहेगा। मेल चेक करते ही मुझे उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है जिसके रिलेटेड जो भी मेल होता है, जैसे कि बड़ा साहब के लिए जो मेल आया, इंजन रूम के लिए रिप्लाई चाहिए, या चीफ ऑफिसर रिलेटेड जो मेल आया, वो सब चीज फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ ब्रिज पे। ब्रिज पे जाके मैं चीफ ऑफिसर के साथ डिस्कस करता हूँ दिन भर का क्या काम है, क्या कुछ नया आया है, कैसे रिप्लाई करना है, ऑल दैट शिप्स यू नो टेक्निकल ऑपरेशनल एंड पोर्ट कॉल रिलेटेड थिंग्स। वो करने के बाद मैं जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने। एज एक्सपेक्टेड आज सैटरडे है, कोई मेल आया नहीं है। ऑल इन ऑल शोर में वीकेंड होता है, शोर में छुट्टी होती है, तो ऑब्वियसली जो ऑफिस से मेल्स वगैरह आते हैं वो सारी चीजें सैटरडे संडे को नहीं आती। अगर कुछ अर्जेंट चीजें रहेंगी तो ही आएगी, तो एक तरीके से कैप्टन भी थोड़ा सा वीकेंड में रिलैक्स रहता है। चलो चीवासो से मिलता हूँ, फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। गुड मॉर्निंग, सेम ऑमलेट दे दीजिए। आज है ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव। मैसेज हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, अब मैं आ गया हूँ अपने वर्किंग क्लोथ्स में और अब मैं जा रहा हूँ अपना वीकली इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए। कैबिन चेक, कंट्रोल रूम चेक, केबल ट्रंक चेक, कॉमन वॉशरूम चेक, रिक्रिएशन चेक, मेस रूम चेक। क्या मेस रूम चेक? दिन में तीन बार आते हैं इधर। गैली चेक, प्रोविजन चेक, फायर स्टेशन चेक, बेसिकली एंटायर अकोमोडेशन चेक, एंड डेफिनेटली चेक चेंजिंग रूम, क्योंकि ये सब एरिया बहुत गंदे होते हैं। नेवर मिस द लॉन्ड्री, एंटायर इंजन रूम राउंड चेक। तो ये जो मास्टर का वीकली राउंड होता है, बेसिकली मैं चेक क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कोई अबनॉर्मलिटी है, कोई चीज में कुछ ब्रोकन है, कोई सही नहीं है, कहीं पे कुछ लीकेज है, कोई चीज कहीं गंदी पड़ी हुई है, कोई चीज LSAFFA को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ऐसी सारी चीजें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो कि एक बाहर वाला देखे तो यू नो शिप के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, कैप्टन चेक करता है। और क्योंकि कैप्टन का कोई भी एरिया वर्किंग एरिया नहीं होता है, उसकी आंखें नहीं होती है उस एरिया में, कोई भी डिफेक्ट फाइंड आउट करने का ज्यादा चांस होता है। सिमिलरली चीफ इंजीनियर डेक पे राउंड लेते हैं, वहां पे काम नहीं करते, तो उनका बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो वहां पे डिफेक्ट फाइंड आउट कर सके। पंपी स्टोर चेक, गार्बेज एरिया चेक। अभी कोई नीचे कमेंट मत करना कि ये नहीं चेक किया, वो नहीं चेक किया, मैं सब चेक कर रहा हूँ, मगर ऑब्वियसली वीडियो में सब कुछ दिखाना इम्पॉसिबल है। ऑक्सीजन एसिडिटी रूम, पूप डेक एरिया चेक, फनल टू टनल देखो, डिटेल में बताया है सब। ऑल LSAFFA इक्विपमेंट, लाइफ राफ्ट, लाइफ बोट, ऑल चेक। एंटायर डेक राउंड चेकिंग, नॉट चेक, नाउ चेकिंग। क्रेन एंड इट्स सिक्योरिंग चेक। मेरा जहाज कंपैरेटिवली नया है, तो ऑब्वियसली नए शिप में थोड़ा सा काम तो कम रहता है क्योंकि प्रॉब्लम्स कम रहती है। एंड किसी ने पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं, वाओ यार क्लाउडी है, टेम्परेचर इज जस्ट राइट, कंफर्टेबल। फोरकैसल एरिया एंड फॉरवर्ड इक्विपमेंट्स ऑल चेक। थंडरिंग लाइटनिंग, वाह वाह वाह। शी इज प्रेजेंटली राइडिंग ऑन अ स्टारबोर्ड एंकर, सो वी हैव टू चेक। दिस पिन नीड्स टू बी रेस्टेड ऑन द बाउ स्टॉपर, इसके ऊपर काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मगर मेरे SMS के हिसाब से इट शुड बी रेस्टेड, सो इट इज रेस्टिंग। पिन सिक्योर्ड, सेफ्टी पिन ऑन, एंड एवरीथिंग लुक्स गुड हियर। एंकर चेन एंड एंकर चेक्ड। फॉरवर्ड बोसन स्टोर चेक, फोर पिक स्टोर बिल सक्शन चेक्ड। एंटायर स्टोर चेक्ड। चलो भाई लंच टाइम हो गया होगा। माय वीकली इंस्पेक्शन इज ओवर और अब चल के करते हैं लंच। गुड आफ्टरनून। आफ्टर लंच सेकंड ऑफिसर नून रिपोर्ट्स वगैरह बना के रखता है। नून रिपोर्ट में क्या होता है कि जहाज का लास्ट 24 आवर्स का बंकर कंजम्पशन, अगर सेलिंग में है तो डिस्टेंस कितना किया, स्पीड कितना किया, क्या परफॉर्म किया, वो सारी चीजें, वेदर कंडीशन, ETA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा डेटा वो एवरीडे का 24 आवर्स का नून रिपोर्ट में जाता है। और ये नून रिपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट बनती है क्योंकि चार्टर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ओनर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और कई बार इसमें दो तीन पार्टी और इन्वॉल्व रहते हैं। सेकंड ऑफिसर चीफ इंजीनियर के साथ मिलकर ये नून रिपोर्ट्स बनाता है और मुझे फॉरवर्ड करता है, फिर मैं इनको चेक करता हूं और मैं कंपनी में भेजता हूं।
इन सारे चार पांच टाइप के नून रिपोर्ट्स को भेजने के लिए मुझे लगता है अबाउट 15 से 20 मिनट। पहले क्या होता था शिप में कि आपको ईमेल एक्सचेंज करने के लिए एक्चुअली लॉगिन वगैरह करके आपको फिजिकली बटन दबाना पड़ता था, तब ईमेल शिप का जाता था या वहां से सर्वर में जो ईमेल है शिप के लिए वो आता था। मगर अब टेक्नोलॉजी मस्त हो गई है, वीसेट हो गया, इंटरनेट आ गया जहाज पे। अब एवरी 15 मिनट्स या एवरी 5 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स आई कैन सेट एन ईमेल एक्सचेंज हैपेंस ऑटोमेटिकली। ब्रिज पे एक तो ब्रिजिंग पे थोड़ा सा राउंड वगैरह लेता हूँ और ये अपना हॉट वाटर एंजॉय करता हूँ। सेकेंड मेट के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, पैसेज प्लान रिलेटेड चीजें या कोई भी मैसेज हो, ब्रिज इक्विपमेंट रिलेटेड चीजें या एनीथिंग, देयर कुड बी मेनी थिंग्स टू डिस्कस विद माय डेक ऑफिसर्स। फिलहाल हम लोग एंकर पे और टू आवर सरप्राइज हमें 6 दिन का एंकर मिल गया है। और एंकर पे क्या होता है कि डेक ऑफिसर्स ऑब्वियसली काफी रिलैक्स हो जाते हैं। व्यू देखते हैं, वेदर काफी अच्छा है, ठंडा है यहाँ पे। गोप्रो में मीडिया मॉड गोप्रो 8 का लगा के शूट कर रहा हूँ। अभी इसके पहले जो मेरी आवाज थी वो फ्रंट माइक से थी, अभी मैंने बैक माइक पे शिफ्ट किया है। तो ये फिलहाल इसका टेस्ट भी है। हल्की हल्की यहाँ पे विंड भी है तो आई एम नॉट श्योर अभी विंड ब्लास्ट कितना आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा होगा तो विंड ब्लास्ट के लिए कुछ ना कुछ मैं करूंगा। ब्रिज से निकलती ऐसे डिम लाइट देख के आपको वो क्लब या डिस्को की तो याद नहीं आ रही ना, मुझे तो वैसा वैसा फीलिंग आता है कभी कभी। अब हो गया लंच और आज है हमारा बैलेंस टैंक इंस्पेक्शन। ओके, जिन्हें नहीं पता बैलेस्ट टैंक क्या होता है कि सेंटर में बीच में हमारे कार्गो टैंक होते हैं और ऑल अराउंड यू शेप में बैलेस्ट टैंक से प्रोटेक्टेड रहते हैं। बैलेस्ट टैंक में नीचे पानी होने की संभावना है तो बेटर आप ये सी बूट पहन लो, नहीं तो आपका लेदर जूता खराब हो जाएगा। तो अब मैं आ गया हूँ 5-स्टारबोर्ड बैलेंस टैंक पे। अगर आपने कार्गो टैंक का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि टैंक एकदम अंदर से खाली था, अंदर कुछ नहीं था। बट बैलेंस टैंक वैसा नहीं होता, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। तो एनीवे सेम चीजें, गैस चेक, एटमॉस्फेयर चेक, सेफ्टी इक्विपमेंट, फेंसिंग, एनक्लोज स्पेस परमिट, वो सारी चीजें बैलेंस टैंक के लिए भी लगती है। कार्गो टैंक में ज्यादा टाइम अगर आपको केयरफुल रहना है तो बैलेंस टैंक में ज्यादा टाइम आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। रीजन ये है कि आपने ये सीफूड पहना हुआ है। ये वाले बैलेंस टैंक में काफी फिटिंग्स मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा पंप का सिस्टम है, उसका लाइनअप सब कुछ इसी टैंक में है। बैलेंस टैंक में आपको हर जगह दिखेंगे ट्रांसवर्स वेबिंग्स, ये साइड में आपके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथनिंग के लिए। Everything inside ballast tank becomes curved at the bottom. बॉटम में आके मिली मस्त थी प्रॉपर लैडर विद रेलिंग्स। मैंने इस टैंक में मारी थी एंट्री स्टारबोर्ड साइड से, है शिप का स्टारबोर्ड साइड, वो है शिप का पोर्ट साइड और हमें जाना है टैंक के पीछे, तो हमें इस तरफ जाने का है। तो भाई लोग अगर बैलेंस टैंक में आए हो तो ओरिएंटेशन भूलने का नहीं। पूरा बैलेंस का सिस्टम इसी में है तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिक वाल्व्स भी हैं, ये वाल्व सारे CCR से खुलते बंद होते हैं। बैलेंस टैंक इंस्पेक्शन में मुझे ईच एंड एवरी बे में जाना पड़ेगा, टैंक का पूरा कोना कोना चेक करना पड़ेगा फॉर एनी डेंट, स्पेशली साइड्स में। साइड्स में क्या होता है, कभी कभी टग पुश करता है, कभी कभी कोई एक्सटर्नल बोट वोट कुछ भी आती है, जेटी पे आपके फेंडर्स लगते हैं तो वहाँ पे डिफॉर्मिटी का चांस होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और कहीं पे भी कुछ भी रप्चर है या लीकेज है, कहीं पे पेंट आपका पील ऑफ हो चुका है, ऐसी सब चीज़ें मॉनिटर करनी है अपने को। तो सो फार अपना टैंक मस्त है, ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। साउंडिंग पाइप जरूर आपको चेक करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों यही है वो साउंडिंग पाइप जहाँ से कि कैडेट या ट्रेनी होएस लोग लाइन ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे वो स्ट्राइक होता है, जितना लेवल तक भीगता है उतनी साउंडिंग होती है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बेल माउथ, ये वो जगह है जबकि हम बैलेंस पंप चलाते हैं तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है और सारा पानी यहीं से सक होके जाता है। बैलेंस्टिंग जबकि हमें टैंक में पानी भरना पड़ता है तभी भी यही बेल माउथ यूज होता है और यहीं से पानी टैंक में आता है। मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच और मेरे ऊपर बस इतना सही बचता है, तो ये टैंक अबाउट 2 मीटर है। अगर आप इससे भी छोटे शिप में काम करेंगे तो इवन आप सीधे खड़े भी नहीं रह पाएंगे, आपको झुक झुक के इस पूरे टैंक को चेक करना पड़ेगा। इट्स सो गुड टू बी बैक ऑन मेन डेक फ्रॉम बॉटम ऑफ द शिप। बज रहे हैं 3:00 PM और मेरा सारा काम हो गया, नून रिपोर्ट ये सब भेज दिया मैंने, मैसेज भी मैंने चेक कर लिया। आज सैटरडे तो कुछ खास आया नहीं और क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे को हम नॉर्मली करते हैं ट्रेनिंग्स एंड ड्रिल्स। हमारा इस मंथ का मेन ड्रिल हो चुका है। ब्रेकफास्ट में हमेशा सोचता हूँ कि लेके जाऊँ कुछ खाना कि नहीं, लेकिन जब भी मैं लेके आऊँ उस डिसीजन मेरा अच्छा ही रहा है। हमेशा मुझे दोपहर को बहुत भूख लगती है।
आई हैव बीन वेरी लकी, मेरे को एक के बाद एक अच्छे चेकबुक मिले। चलो देखते हैं क्या ट्रेनिंग देना है आज। मीटिंग इज डन। मीटिंग को लगे अबाउट 1.5 से 2 घंटे। हमने काफी सारे ट्रेनिंग किए जो भी इस मंथ का पेंडिंग था, और कुछ नए ज्वाइनर्स आए थे तो उनका किया हमने इंट्रोडक्शन। Okay, so my favorite music is playing in my ears, and it's time to start. The workout today is biceps, triceps. 4 to 5 days in a week, 40 minutes, I try. जब भी जिम करने का मन ना करे, कैसे भी जिम बस पहुंच जा, उसके बाद मजा ही मजा। जिम से बाहर जाने से पहले डेफिनेटली चेक कर ले कि सब कुछ सिक्योर है, क्योंकि ये जहाज है और कभी भी हिलना चालू हो सकता है। शफलिंग सीख रहा हूं, आता कुछ नहीं है। स्टैंडिंग अप स्ट्रैंगल, स्टैंडिंग अप स्ट्रैंगल, स्टैंडिंग अप स्ट्रैंगल, स्टैंडिंग अप। I have never liked this treadmill for running. आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट कैटवॉक। किसी किसी शेप में क्या होता है ना कि ये जो क्रेन है ये कैटवॉक में बीच में रहती है और इसके टर्न अराउंड आपको जाना पड़ता है, पर इस शेप में अच्छा है, ये पीछे से आगे तक स्ट्रेट है। तो मुझे दौड़ना एक्चुअली यहाँ पसंद है, जहाँ की मैं धीरे धीरे थोड़ी बहुत जॉगिंग करता हूँ 10 rounds। अगर आप लोगों ने मेरा क्वारंटीन वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा मेरा बॉडी इलास्टिक बैंड टूट गया था, मगर उसका एंकर मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, और ये मैंने डीकैथलन से 2 लिया था, क्योंकि देखिए जैसे कि ये शेप है, यहाँ पे होम जिम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग का लॉस नहीं होना चाहिए, वर्कआउट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये TRX और ये इक्विपमेंट मैं अपना खुद कैरी करता हूँ, बट मोस्टली जहाज पे होम जिम आपको मिलेगा, कितना भी छोटा जिम होगा, सिर्फ कुछ ओनर्स है जो इतना भी खर्चा नहीं करते और इस चीज को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते। वर्कआउट फॉर द डे इज ओवर एट 5:45। अब फटाफट शावर लेते हैं और चलते हैं डिनर के लिए। सिक्योर सिक्योर। एक ही डिसिप्लिन मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं, और वो ये है कि डिनर के बाद मैं कुछ भी खाना अवॉइड करता हूं, सीधा फिर ब्रेकफास्ट, थोड़ा बहुत रेगुलर जिम में रहने की कोशिश करता हूं। इवनिंग में मैं बिजी रहता हूं, मुझे रिलीव करना होता है चीफ ऑफिसर को, बाकी का पब्लिक थोड़ा खेल रहा है अपना, एवरीडे रहता है प्याज और ये लेमन, दाल तो रहती है, सब्जी रहती है, और रहता है रोटी पराठा भटूरे जो भी है। And I forgot to mention, soup. स्वीट डिश मैं खाता नहीं, तो नॉर्मली कभी शूट नहीं करता, मगर आज यहाँ रखा था। तो यहाँ पे अच्छी खासी विंड है, अभी पता चल रहा होगा ये GoPro का ये जो मॉड है इसका ऑडियो का क्या हिसाब किताब है। और ये आधे घंटे जो मैं ब्रिज पे रहता हूँ इसमें मैं अपना नाइट ऑर्डर लिख देता हूँ, अपने काम जो होते हैं वो कर लेता हूँ, छोटे मोटे पेपर वर्क, मेल चेकिंग जैसा कि मैंने बताया बहुत बार चेक करना पड़ता है आपको दिन पे, तो ये होता है लास्ट टाइम, और एक बार और होता है सोने के पहले। नाइट ऑर्डर में लिख चुका हूँ, अब बच गए हैं रात के 8:30। नॉर्मली इस टाइम पे लोग शिप में मूवी देखते हैं या कुछ भी काम करते हैं, इस टाइम पे अपनी फाइल्स ट्रांसफर करता हूँ और एडिट करता हूँ, 1 आवर 1.5 आवर जब तक दिल करता है, जब तक मजा आता है करता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ अराउंड 10 o'clock। आज अबाउट 1.5 घंटे एडिटिंग कर ली मैंने, और अब बच गए अबाउट 10 PM, तो चलते हैं सोने। If you like my balance tank, do hit the like button, do not forget to subscribe, stay fit, jai hind, I will see you on the next one.